पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार रात निधन हो गया। सोशल मीडिया पर राजनीति और फिल्म समेत अन्य क्षेत्रों की हस्तियों ने सुषमा जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। बुधवार को राज्यसभा में भी सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी गई। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि वे मेरी बहन की तरह थीं और मुझे अना कहकर बुलाती थीं। हर साल राखी बांधने के लिए घर आती थीं, लेकिन अब मुझे यह सौभाग्य नहीं मिलेगा। रक्षाबंधन पर उन्हें बहुत याद करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, सुषमा जी का निधन एक व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने भारत के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए उन्हें हमेशा बड़े प्यार से याद किया जाएगा। मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। ओम शांति। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सुषमा स्वराज जी के अचानक निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। वे एक असाधारण राजनेता थीं, बेहतरीन सांसद और वक्ता थीं। मेरी भावनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लता मंगेशकर ने ट्वीट किया, सुषमा स्वराज जी के अचानक चले जाने से स्तब्ध हूँ। वे एक प्रभावशाली और ईमानदार नेता थीं। वे संवेदनशील थीं। उन्हें संगीत और कविता की समझ थीं। वे मेरी दोस्त थीं। हमारी विदेश मंत्री हमेशा याद आएंगी।